वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, BHU का जो शेड्यूल है वो आउट हो चुका है, तो आप जाके उसको चेक कर सकती हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि चेक कैसे करना है और उसमें क्या क्या लिखा हुआ है चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। तो जैसा आपको पहली चीज़ मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ, जैसा आपको पता है कि जो NTA का जो BHU का एग्ज़ाम है वो कौन ले रहा है, NTA ले रहा है, जो कि एक नेशनल टेस्ट एजेंसी है जो कि टेस्ट ले रहा है। तो मैंने इसके ऊपर पहले ही वीडियो बताई हुई है कि अगर NTA आपका टेस्ट ले रहा है तो आप NTA पर भरोसा नहीं कर सकते, कुछ भी NTA कर सकता है। तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, आप वो सारी चीज़ें देख के जाइए। अगर मान लो पैटर्न चेंज हो जाता है या कुछ क्वेश्चन एकदम अलग आ जाते हैं जैसे आपने तैयारी की है, तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, टाइमिंग कम पड़ जाती तो आपको क्या करना है, क्योंकि NTA ऐसा बहुत बार कर चुका है। MSc एग्रीकल्चर के एग्जाम में भी अभी इस साल भी किया है, पिछले साल भी इनने किया था। CMAT MBA का एग्जाम है उसमें भी किया था, MSc के एग्जाम दोनों में कर चुका है। तो BHU का एग्जाम भी जब NTA ले रहा है तो हम रिस्क नहीं ले सकते, और हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं हम वो सारी चीज़ें हम देख के जाइए। लिंक आपको उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। तो अब मैं बताती हूँ कि आपको चेक कैसे करना है शेड्यूल, क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो आपको किस पे जाना है, NTA.ac.in इस वेबसाइट पे जाना है। जब आप इसको खोलेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेशनल टेस्ट एजेंसी ये चीज़ मिल जाएगी। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट इंटरफेस क्या खुलेगा, नेक्स्ट ये चीज़ खुल जाएगी, अबाउट NTA या लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट NTA है। तो आप इस पे जाएंगे जो कि क्या है, इस पे आप क्लिक करेंगे ग्रीन बटन पे, तो आपका नेक्स्ट इंटरफेस क्या खुल जाएगा, नेक्स्ट चीज़ ये खुल जाएगी, वो ये आपका खुल जाएगा। तो इस पे आपको किस पे क्लिक करना है, सेकंड वाले पे क्लिक करना है जहाँ पे BHU लिखा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 2021। तो आप किस पे क्लिक करेंगे, रीड मोर पे आप क्लिक कर देंगे। रीड मोर पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक PDF खुल जाएगा आपके मोबाइल में, उस PDF में क्या लिखा है मैं आपको वो भी बताती हूँ क्या लिखा है। ये नोटिस खुल गया है आपका, ये नोटिस क्या है, इसमें लिखा है कि नेशनल टेस्ट एजेंसी है जो वो क्या कर रही है, BHU का एग्जाम कंडक्ट करा रही है, जो कि क्या अंडर ग्रेजुएशन के लिए भी और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए भी करा रही है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, जो हमें मेन चीज़ें देखनी है, द नोटिस रिगार्डिंग डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड विल बी डिस्प्लेड ऑन NTA वेबसाइट। NTA की वेबसाइट भी दी हुई है, इस पर आपको जो आपका एडमिट कार्ड है उसका नोटिस भी आपको मिल जाएगा। और जो आपको नीचे नोटिस है उसमें क्या क्या चीज़ें दी हैं, डेट है, शिफ्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, शिफ्ट वाइज क्या है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तब हम नीचे बढ़ते हैं डायरेक्ट। अगर आपको कुछ और भी क्वेरी करनी है आपके लिए, तो आप इस पर BHU@NTA.ac.in पे भी आप जा सकते हैं। अब हम नीचे देखते हैं, तो डे वन में किस किस का एग्ज़ाम होना है वो सारी चीज़ें दी हुई हैं, ये आपको देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप पूरा देख सकते हैं कितने टोटल कोर्स के लिए दिया हुआ है। डे वन में आपके लिए कितने कोर्स हैं, डे वन में 48 कोर्स का क्या होने जा रहा है, एग्ज़ाम होने जा रहा है। डिफरेंट शिफ्ट भी लिखी है इसकी, मॉर्निंग में भी हो सकता है, दोपहर में भी हो सकता है आपका। डे टू की बात करें तो डे टू में 49 से लेकर कितनी शिफ्ट रहेंगी, 49 से 70 तक जो है लोग इसमें पेपर देंगे, डिफरेंट कोर्सेज के पेपर देंगे। फिर डे थ्री आएगा 30 तारीख को, जो कि 71 से लेके कब तक है, 71 से लेके 96। डे फोर जो है 1 अक्टूबर को होगा, 97 से लेके 114 तक देंगे इसमें, और ऐसे बढ़ते जाएंगे। डे फाइव डे सिक्स ऐसे दिए हुए हैं। स्टार्टिंग कब से हो रही है आपकी, स्टार्टिंग पेपर की हो रही है 28 से, मतलब 28 सितंबर से आपके स्टार्ट हो जाएंगे डिफरेंट कोर्सेज के लिए। और ख़त्म कब होगा, ख़त्म डे सिक्स पे होगा, जो कि 4 तारीख 4 अक्टूबर को आपका ख़त्म हो जाएगा, मतलब 28 सितंबर से लेके 4 अक्टूबर तक डिफरेंट कोर्सेज के चलेंगे। डिफरेंट शेड्यूल्स भी दिए हुए हैं, टाइमिंग के हिसाब से सुबह भी है किसी किसी का, किसी का दोपहर में, शाम को है, 7 बजे तक इधर पे आपके एंट्रेंस एग्जाम चलते रहेंगे डिफरेंट कोर्सेज के। आप जाके अपना अपना कोर्स चेक कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल MA इन एंथ्रोपोलॉजी में है तो आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपका कब रहेगा पेपर, किस शिफ्ट में रहेगा, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, सब कुछ दिया हुआ है। अगर आपको कुछ और डाउट लगता है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।